Hello guys, welcome back to my channel. My name is Nisha Arif and today I'm going to share with you some information about cautery treatment of skin tags and acrocordons or skin tags. इन्हें आम भाषा में स्किन के कलर के मस से भी बोलते हैं. स्किन टैग्स को ही एक्रोकॉर्डन्स बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में. स्किन की एक छोटी और सॉफ्ट ओवरग्रोथ होती है जो स्किन के कलर की होती है. ये उन लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं जो लोग ओवरवेट होते हैं. कुछ लोगों में ये स्किन के कलर के होते हैं और कुछ लोगों में ये हाइपर पिगमेंटेड होते हैं. ब्लैक कलर के या डार्क ब्राउन कलर के भी होते हैं और ज्यादातर लोगों में ये 2 से 5 mm तक होता है, बट कुछ लोगों में ये 5 cm भी हो सकता है. ज्यादातर ये नेक या अंडर आर्म्स के एरिया में होता है, बट ये स्किन के किसी भी पोल्ड जैसे कि ब्रेस्ट के अंडर सरफेस या फिर ग्रोइन एरियाज में भी हो सकते हैं. स्किन टैग्स होने के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, ओल्ड एज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी और PCOD और डायबिटीज. इन सभी कारणों से आपको स्किन टैग्स हो सकते हैं. इस ट्रीटमेंट में आपके जो प्रेजेंट टाइम में स्किन टैग्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, बट इसके बाद भी आपको स्किन टैग्स हो सकते हैं बिकॉज ये स्किन टैग्स ऊपर से सिर्फ हटाए जाते हैं. इनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता. सिर्फ जिन रीजन से आपको स्किन टैग्स हो रहे हैं आप उन रीजन्स को, उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके स्किन टैग्स को कंट्रोल कर सकते हो. जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो. आप मोटे हो तो आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो. वजन अगर आपका ज़्यादा है तो आपको वजन कितना कम करना है उसके लिए आपको BMI 20-25 के बीच में होल्ड करना होगा. अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको स्किन टैग्स हो गए हैं तो वो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप भी ठीक हो सकते हैं. कॉटरी मशीन से आपके स्किन टैग्स को रिमूव किया जाता है. कॉटरी मशीन में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और उस हीट से आपके स्किन टैग्स को बर्न कर दिया जाता है. ये जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में इस ट्रीटमेंट से पहले स्किन को नम करते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया देकर या फिर इंजेक्शन से. उसके बाद फोर्सेप से पकड़ के हर एक स्किन टैग को बर्न किया जाता है कॉटरी मशीन से या फिर लेजर से. ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी स्किन को बीटाडीन से क्लीन किया जाता है. उसके बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और 1 से 2 हफ्तों में आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है. कॉटरी मशीन को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? कुछ केसेस में लोग स्किन टैग्स को ब्लेड से कट करवा लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, वहाँ की स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ की स्किन डैमेज हो सकती है. कुछ केसेस में देखा है लोगों ने स्किन टैग्स और मस्से को रिमूव करने के लिए चूना या किसी एसिड का यूज़ किया है जिसकी वजह से वहाँ पे मार्क बन जाता है और आपकी स्किन का कोलेजन वहाँ से डैमेज हो जाता है और वो ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से वो एक स्कार मार्क की तरह दिखता है. और कुछ केसेस में क्या होता है, बुंड बन जाता है वहाँ पर जो जल्दी से ठीक नहीं होता और वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, वहाँ से स्किन डार्क भी हो जाती है. बट ये ट्रीटमेंट अगर आप कॉटरी से या लेजर से करवाते हैं तो आपको पेन भी नहीं होता बिकॉज उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और एंटीबायोटिक्स आपको दे दी जाती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता और आपकी स्किन में स्वेलिंग नहीं आती. कॉटरी और लेजर से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसलिए स्किन टैग्स को रिमूव करना सेफ है. इस ट्रीटमेंट के बाद 1 से 2 हफ्ते में आपकी स्किन नॉर्मल स्किन की तरह हो जाती है और उस पर लगाने के लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं. और अगर स्किन टैग बड़ा है तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी आपको दी जाती हैं जिससे कि आपके वुंड में इन्फेक्शन ना हो और वो अच्छे से क्योर हो सके. हो गया, दो ही थे ना इधर.
आई होप आपको स्किन टैग्स का और कॉटरी मशीन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.